जत्था मत्था टेक के उन्होंने कहा कि उत्थे मर्यादा का कांड हो रहा जो प्रबंधक से उत्थों के बीड़ियां सिगटा पी रहे हैं उत्ते जिन्ना मोहम्मद की फोटो लगी हुई साइन बोर्ड के मैं भी ननकाणा साहब जाके आया मैं ननकाणा साहब जिन्ना की फोटो नहीं देखी पर इन्ना जरूर है कि गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी के किसी की तस्वीर जी है वह होनी नहीं चाहिए चाहे वह सिख इतिहास दस्वीर भी जो क्यों हो मर्यादा मुताबिक भी दसी जिते गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश है उत्थे केवल तो केवल गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश ही होना चाहिए। एक जो पाकिस्तान के मारे गए थे भाई परमजीत सिंह मंदभागा वर्तारा जी कि देखो दुनिया का मैनू लगता कोई भी मुल्क का कानून जोड़ा अजिही इजाजत नहीं दिता जिमें पिछले समय दौरान असं देखिए कि अवतार सिंह खंडे की जोड़ा दी भारत लियाण तो रोकया गया तो हूँ परमजीत सिंह पंजवड़ दिन जो अस्थियों रोकया जाता है तो मैं समझना कि उस व्यक्ति के भी अधिकारों की उलंघना जोड़ा संसार तो कूच कर गया तो इदू बद के उस मुल्क तो शर्म वाली गल होनी चाहिए है जो धर्म आधारित अपने आप को मुल्क कहता और जिते ये कहा जाता है कि ऋषियां मुनियां की धरती है तो उस धरती के उत्ते इस तरह दी गल्लां होंदियां बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बाहरली कंट्रियां सिखां नूं खालिस्तान नूं नाल देख के टारगेट किलिंग कीती है। मैं पहले कहा कि एक नैरेटिव सिखां दे खिलाफ़ सिरजिया जा रहा हैगा कि यह वक्खवादी है अतवादी है ये बदअमनी फैलाउंदी है जबकि दुनिया के सिखां वर्गी जिहड़ी है वह शांतमई अमन चाहण वाली जिहड़ी है कोई कौम नहीं है। सिख नूं जदों सिख दे गुरु नूं टारगेट किया जाता है जो सिख दी परंपरावां नूं जिहड़ा टारगेट किया जाता सिख दीआं मर्यादावां दा कारण किया जाता है तो उदों सिख जिहड़ा अग्रैसिव हुंदा है जदों सिख नूं उकसाया जाता है सिख वर्गा अमन चाहण वाला संसार दे विच कोई पुरख सिंह संबंधी सिंह नूं लै के रिहा इहनूं लै के अज बीसी बड़े जोरां ते लगी हुई है पर इक पासे कहिंदे आ कि प्रधानमंत्री सिखां दे फेवर दूजे पासे सुनवाई नहीं हो रही चंगी गल है। बंदी सिंह बारे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी या दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी साड़ियां बाकी संस्थावां जिहड़ियां जतन कर रही हैं रिहाई होनी चाहिए है जी बड़ा लंबा अरसा हो गया उन्होंने जेलों के बैठे भी मनुखा अधिकारा का भी एक किस्म का कान है कि सांझे तौर पर एक हमला मारन की लोड़ नहीं है कि बंदी सिखां दी रिहाई लई क्योंकि वक् वक् बंदी सिखां दी रिहाई मैनूं लगता कि उदों ही होनी है जदों सांझे तौर पर हमला मारांगे जे असीं कल्ले कल्ले यतन करांगे तो कल्ले कल्ले यतन साडे उन्ने सार्थक नहीं होने जिन्ने असीं सांझे तौर पर यतन करांगे तो सार्थक होणे। नशा नूं लै के नौजवान काफ़ी ग्रस्त हो रहे हैं लड़कियां भी नौजवान लड़कियां ज़्यादा मैं इहदे बारे भी बहुत बार इह शब्द कहे है कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है सरकारां नूं जागना चाहिए केंद्र सरकार नूं भी जागना चाहिए पंजाब सरकार नूं जागना चाहिए भावें नशा एक वर्ल्डवाइड जिहड़ी प्रॉब्लम है पर पंजाब दे नौजवानों का नशे दे विच गिरफ्त होने का मतलब जिहड़ा है वह भारत की होंद लई आने वाले समय के खतरा पैदा होना है और यह गल सरकारों सोचनी चाहिए। धन्यवाद।